नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई, एबीजी शिपयार्ड पर केस दर्ज। हिजाब विवाद पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, देश के आंतरिक मुद्दों पर बाहरी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। सीएम चन्नी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा ब्रिटिश शासन की तरह पंजाब लूटने आई है आम आदमी पार्टी, जनता दिखाएगी सही जगह। कश्मीर पर ट्वीट करने वाली विदेशी कंपनियों के खिलाफ गुजरात में प्रदर्शन। देश में कम हो रहा कोरोना का संक्रमण, दिल्ली में 920 और कर्नाटक में आए 3,200 से ज्यादा नए केस। मेरठ के सरधना में इस बार कम वोटिंग ने बढ़ाई प्रत्याशियों की चिंता। दूसरे चरण के 55 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार खत्म, 14 को 586 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। बीजेपी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ अशोक सिंह को मैदान में उतारा। सपा उम्मीदवार ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया चुनाव प्रभावित करने का आरोप, बोली पुलिस से कराया जा रहा उत्पीड़न। अंबेडकर नगर में पूर्व मंत्री लालजी वर्मा की पत्नी समेत 6 पर हत्या का मुकदमा। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित, महंगाई में इजाफा। यूक्रेन संकट पर बाइडेन ने की पुतिन से फोन पर बात, दी कड़े जवाब की चेतावनी। पाकिस्तान में गोलीबारी से दहला इस्लामाबाद, एक पुलिसकर्मी की मौत, 4 लोग घायल। फ्रांस में 32,000 से अधिक लोगों ने स्वतंत्रता काफिले में हिस्सा लिया। भारत अमेरिका संबंधों में आड़े नहीं आया रूसी S-400 सिस्टम, बाइडेन ने यानी कि जारी की हिंद प्रशांत रणनीतिक रिपोर्ट। आईपीएल 2022 ऑक्शन के पहले दिन गेंदबाजों और कीपर्स ने भारी तिजोरिया, टीमों ने लुटाए 350 करोड़ रुपए से ज्यादा। आर्यन खान से लेकर काव्या मारन तक बोली लगाते दिखाई दिए कई सितारे। दीपक चौहर 14 करोड़ में बिके प्रसिद्ध, कृष्णा और शार्दुल पर लगी बोली। ₹40 लाख के राहुल तेवतिया को 9 करोड़ में टीम ने खरीदा, शिवम मावी को मिले 7.25 करोड़। आईपीएल नीलामी के दौरान अचानक मचा हंगामा, स्टेज से बेहोश होकर नीचे गिरे ऑक्शन। रिलीज होते ही कानूनी पचड़े में पड़ी रवि तेजा की खिलाड़ी, अक्षय कुमार की फिल्म का टाइटल चुराने का लगा आरोप। दीपिका पादुकोण की गहराइयां को कंगना रनौत ने बताया कचरा, बी ग्रेड फिल्म से की तुलना। रणवीर सिंह ने आलिया भट्ट के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी के गाने ढोलीडा पर लगाए ठुमके। अंधेरी कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी, शमिता और मां सुनंदा शेट्टी को जारी किया समन, 28 फरवरी को पेश होने का दिया आदेश।
सलमान खान ने लता मंगेशकर को किया याद, गाना गाकर दिया ट्रिब्यूट। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।